श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दर्शकों, यदि आपके बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में या फिर नौकरी नहीं लग रही है, तरक्की चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें। या फिर आपके भी कोई काम धंधा नहीं चल पा रहा है, बिजनेस है पर ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आप नौकरी चाहते हैं, तो एक उपाय बहुत ही सरल है। यह उपाय सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर प्रदोष काल में कुछ ऐसी चीज़ें अर्पित करनी है जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय। सोमवार के दिन आप यह पूजन शाम के समय करें। प्रदोष काल में आप एक आसन लगा लें, चौकी लगा लें, उस पर अपने शिवलिंग रखें। आपके घर में शिवलिंग हो तो ठीक है, नहीं तो भगवान भोलेनाथ की तस्वीर पर आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले भोलेनाथ पर चंदन अर्पित करना है, गुलाल और काली तिल अर्पित करना है। उसके बाद 5 बेलपत्र, जो कि सेंगे अच्छे बेलपत्र होने चाहिए, कहीं से कटे फटे ना हो, 5 बेलपत्र अर्पित करें। उसकी डंडी जरूर तोड़ लें, यानी कि डंडी में जो गठान होती है उसे तोड़ना चाहिए। वो गठान के साथ में आप बेलपत्र अर्पित ना करें। 5 बेलपत्र आप अर्पित करें। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धतूरा। धतूरे का फल आपको कहीं से मिल जाए तो सोमवार के दिन आप धतूरे का फूल भोलेनाथ को अर्पित करें। 6 महीने, साल भर या फिर 2-4 महीने में एक बार यह उपाय जरूर करें। इससे आपके धन संपदा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आपके घर में बुद्धि का भी संचार होगा, आपका दिमाग तेज चलेगा, और दिमाग तेज चलेगा तो काम धंधा, बिजनेस, नौकरी सभी अपने आप ही होने शुरू हो जाएंगे। सारे शुभ कार्य आपके घर में बनते चले जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि भोलेनाथ को धतूरा जरूर ले लेना है। आपको विशेष उपाय हम बताते रहते हैं। पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा कहे गए यह बहुत ही सरल उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। देखिए, सफ़ेद आँख का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं, आग के पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर प्रदोष काल में करें। किसी भी सोमवार को आप यह उपाय करें, आपके घर में धन संपदा और बुद्धि का संचार होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।